सो इट्स पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ी सी शेकी लग सकती है बिकॉज ट्राइपॉड और कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, मतलब दिल्ली वाले घर पे। एनीवेज गाइस, आज की जो वीडियो है आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा कि टोयोटा की एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जो कि टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इको स्पोर्ट या जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं, विटारा, ब्रेजा, किया सेल्टोस, सबको बुरी तरह से पछाड़ने वाली है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सभी कंपनीज के लिए बोलते हैं एक बार होंडा की गाड़ी चला लोगे तो बाद में कोई और गाड़ी नहीं चला पाओगे होंडा की नहीं, बट टोयोटा के साथ हमेशा से एक ऐसा चीज़ जुड़ी हुई है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और 5-5 साल तक की वारंटीज़ आपको मिलती हैं। यहाँ पे हम बलेनो और ग्लांजा का ही एग्जांपल लगाएं तो बलेनो में आपको 3 साल मिलती है कंपनी की तरफ से और वहीं पे टोयोटा दे रही है 5 साल की। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को टोयोटा की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी में कि अभी जो सबसे ज़्यादा जोर पे मार्केट चल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई डिमांड पे जो मार्केट चल रहा है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का है, उसी में टोयोटा अपनी खुद की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च कर रही है। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी रहने वाली है एंड पूरा बताऊंगा आपको डिटेल्स एंड गाड़ी का आपको वॉक अराउंड सभी दिख जाएगा। तो रिव्यू, वॉक अराउंड सब कुछ ये मिक्स वीडियो रहने वाली है। तो गाइज, मेक श्योर वीडियो आप एंड तक देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइज, अगर हम गाड़ी फ्रंट लुक से देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो गाड़ी है हुंडई वेन्यू जैसी देखने को मिलेगी और ये जो गाड़ी है कई गाड़ियों का मिश्रण मैं बोलूँगा बिकॉज किया सेल्टोस जैसी दिखती है थोड़ी थोड़ी और हुंडई वेन्यू क्रेटा जैसे लुक्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको जो DRLs हैं वो आपको थोड़े डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं अगर आप नोटिस कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ जो हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स में ऊपर की तरफ जो है वो DRLs नहीं हैं बेसिकली, बट वो जो लुक्स है वो ऐसा लगता है कि जो DRLs हैं वह। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड देखने को मिलेगा गाड़ी का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी। दूसरी चीज़ मैं गाइस आपको बताऊँ कि डाइहुत्सू की रॉकी है और टोयोटा रेज नाम से आने वाली है, जो दोनों कंपनी है सेम कंपनी, डाइहुत्सू की पेरेंट कंपनी जो है वो टोयोटा रहती है। तो यहाँ पे जो है सेम कंपनी से गाड़ी आने वाली हैं दोनों। तो गाइस, वाइट में भी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है देखने में एंड रेड में भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, नो डाउट। वहीं से साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप देखेंगे कि पीछे तरफ है जो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक विंडो दी गई है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, नो डाउट। हैंडल्स हैं जो वो क्रोम के दिए गए हैं और उसके बाद में पीछे की बात करूँ तो पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एंड बोल्ड लग रही है पीछे से भी, नो डाउट। एंड टेल लैंप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंसिंग है गाड़ी के एंड काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। वहीं पर बात इंटीरियर की करूँ तो इंटीरियर आप देख सकते हैं गाड़ी का कुछ ऐसा रहने वाला है जहाँ पे स्टेयरिंग पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे और वहीं पे जो बीच में आपको एक LCD डिस्प्ले मिलने वाली है, यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले आपको बीच में मिलेगी। वहीं पे हम बात करें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है और ऑटोमेटिक भी मिलने वाला है। ये जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है आप देख सकते हैं और गाइस इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिक हैं, गाड़ी के प्रीमियम फील देते हैं और किया सेल्टोस में अपने ऐसे जो इंटीरियर हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। बेसिकली 5 सीटर गाड़ी रहने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर जो गाड़ी के लुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे तो देखने में, फ्रंट से भी बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर है ये गाड़ी और कलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, नो डाउट। साथ ही साथ मैं बात करूँ अलॉय व्हील्स की तो आप अलॉय व्हील्स भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे जो हमने वीडियो में दिखाई ये दोनों ही ड्यूल टोन कलर के वेरियंट्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये और नो डाउट कि ये जो गाड़ी है इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी बिकॉज इंडियन जो मार्केट है हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहा है और उसी तरफ से टोयोटा की तरफ से अगर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है तो सोने पे सुहागा जैसा काम करने वाली है। तो यहाँ पे गाइस आप दोनों वेरियंट देख सकते हैं कि एक जो है वो रेड रहने वाला है और एक जो है वो वाइट रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताएं कि आपको कैसे लगा इन दोनों गाड़ियों का जो लुक्स हैं वो, मुझसे पूछा जाए तो नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक्स हैं गाड़ी के और डाइहुत्सू रॉकी नाम से ये गाड़ी आएगी जिसको इंडिया में अगर हम बोलें तो रीब्रांड करा जाएगा, किस नाम से? टोयोटा रेस नाम से करा जाएगा। तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक्स रहने वाले हैं इस गाड़ी के एंड जितने भी कंपटीटर्स हैं उनकी ये बैंड पक्का बजाने वाली है, चाहे वो टाटा नेक्सॉन हो, फोर्ड इको स्पोर्ट हो, विटारा ब्रेजा हो, किया सेल्टोस हो या कोई भी गाड़ी हो, इसके सामने जो भी गाड़ी आएगी वो सही में काफ़ी ज़्यादा मात खाएगी। सो गाइस, आपने देखा होगा गाड़ी जो है कितनी ज़्यादा अमेजिंग है यार और लुक्स में भी बहुत ही अच्छी है गाड़ी, इंजन भी टर्बो चार्ज मिल रहा है आपको, प्राइस टैग है वो भी विटारा ब्रेजा एंड जितनी किया सेल्टोस है सबके आसपास के बराबर का ही मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। गाइस, मेरी तरफ से था आपको गाड़ी दिखाना, बताना कि गाड़ी ये आने वाली है। अब आपकी तरफ से आपका जो काम है वो है कि कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएँ कि जो गाड़ी है क्या वो हिट हो पाएगी और हिट हो पाएगी तो
क्या वो इंडियन मार्केट में चलने लायक है एंड टाटा नेक्सॉन और किया सेल्टोस या जो भी गाड़ियां हैं जितनी भी नई गाड़ियां हैं उनकी सेल्स को गिराने लायक है या नहीं, आई गिरा पाएगी नहीं, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आप ये। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। बाय बाय एंड थैंक यू।